टॉप अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट आमिर खान। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अदाकार और मिस्टर परफेक्ट कहलाते हैं। आमिर खान बॉलीवुड के उन कम अदाकारों में से एक हैं जो कि अपनी हर फिल्म का हर रोल बहुत परफेक्शन से निभाते हैं। इनकी फिल्म करने की पहचान भी अलग होती है, क्योंकि वो ना सिर्फ हर लम्बे अलहदा शक्ल सूरत और हुलिये में नज़र और एक्शन से हटकर समाजी बुराइयों यानी के सोशल इश्यूज पर आवाज़ उठाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा कामयाब अदाकार आमिर खान है, क्योंकि जिनकी भारतीय फिल्मों ने आज तक पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा राज किया है। इनमें से सबसे ज़्यादा फिल्में आमिर खान की हैं। आमिर खान आज एक बेहतरीन अदाकार होने के अलावा एक बेहतरीन हिदायतकार और प्रोड्यूसर भी हैं, और वो अपनी अक्सर फिल्में खुद ही बनाते हैं। आमिर खान आज भारत के महंगे तरीन अदाकारों में से एक हैं और इनकी नेटवर्थ 400 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। दोस्तों, आमिर खान के नाम से मशहूर बॉलीवुड अदाकार का पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। आमिर खान 14 मार्च 1965 को भारतीय शहर मुंबई में पैदा हुए। इनके वालिदैन ताहिर हुसैन और जीनत हुसैन भी अदाकार और हिदायतकार थे। आमिर खान का ख़ानदान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, और इनके अलावा भी इनके बहुत से रिश्तेदार और इंडस्ट्री में अदाकार, गुलूकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। जैसा कि इनके भांजे अदाकार आमिर खान का एक भाई और दो बहनें भी हैं। आमिर खान का बचपन काफ़ी दिलचस्प था। वो बताते हैं कि इनके वालिद की अक्सर फिल्में फ्लॉप हो जाती थी, जिसकी वजह से हर वक्त लोग इनके घर अपने उधार पैसे वापस लेने आते रहते थे, और अक्सर इसी वजह से इनकी स्कूल की फीस भी लेट हो जाती थी। आमिर ने बहुत ही छोटी उम्र में खुद ही फिल्में बनाकर इनसे पैसा बनाना शुरू कर दिया था, और इसीलिए अपने बचपन के तजुर्बों की वजह से आज वो एक कामयाब तरीन हिदायतकार और अदाकार भी। 1986 में आमिर खान ने अदाकारा और मॉडल रीना दत्ता से शादी की, जिनसे आज इनके दो बच्चे भी हैं। इनका बेटा जुनैद और इनकी बेटी आयरा मगर, जो कि फिल्मों में इतने कामयाब होते हैं, वो अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में मार खा गए, पर 2002 में इन दोनों की तलाक भी हो गई, क्योंकि आमिर खान अपने ख़ानदान को सही तरीके से वक्त नहीं दे पाते थे। 2005 में आमिर खान ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर किरण राव से शादी की, और इनसे एक बेटा भी हुआ था, जिसका नाम इन्होंने आज़ाद खान रखा। मगर इसके बाद आमिर की ये शादी भी बर्बाद हो गई, और आज इनकी तीनों औलादें अपनी माओ के साथ रह रही हैं। आमिर खान के भाई फैसल खान माजी के एक अदाकार थे, मगर वो अपना ज़हनी तवाज़ुन अब खो बैठे हैं, और आमिर खान ने ज़बरदस्ती इनको घर में कैद रखना शुरू कर दिया था। आमिर खान 2013 में अपनी माँ के साथ हज भी किया, जिसको सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने पसंद भी किया। आमिर एक वेजिटेरियन है और वो गोश्त को हाथ भी नहीं लगाते। आमिर खान फिल्मों में आने से पहले एक स्टेट लेवल के टेनिस चैंपियन भी थे। तो दोस्तों, ये थी आमिर खान की दिलचस्प हकीकत जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए राहिल टीवी साथ जुड़े रहें।